बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी 13 फेम अर्चना गौतम को पंगा गर्ल कहना गलत नहीं होगा। पहले बिग बॉस में वो सबसे लड़ती रही, वही खतरों के खिलाड़ी में भी अर्चना हर किसी से पंगा लेती दिखती हैं। एक्ट्रेस जेजी शाह के साथ हुई लड़ाई तो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में एक अवार्ड शो में पहुंची थी, जहां उन्होंने अपनी और जेजी शाह की लड़ाई का जिक्र किया, वहीं दोनों सोशल मीडिया पर भिड़ गईं। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला। एक लेटेस्ट इंटरव्यू में डेजी से पूछा गया कि क्या अर्चना खतरों के खिलाड़ी 13 में एंटरटेन कर रही हैं, तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा कि उन्हें खतरों के खिलाड़ी 13 के दौरान अर्चना गौतम मजाकिया नहीं लगी। उनकी आवाज सुनकर उनके कान से खून निकलता है। यह सुनते ही अर्चना ने इंस्टाग्राम पर डेजी को जवाब दिया। अर्चना ने लिखा, बोल भी कौन रहा है, फ्लॉप मूवीज की हीरोइन, खुद कर लिया होता ऐसा एंटरटेनमेंट तो आज पता नहीं कहां होती। दो बार एलिमिनेट किया है इसलिए डेजी शाह नाराज है मुझसे। कोई नहीं बाबू, ये एक शो है, हमें एंटरटेनमेंट करने या स्टंट करने के लिए ही कलर्स पैसा देता है। बस शांत हो जाओ बाबू, मुझे इंडिया बहुत प्यार करता है। इसके बाद अर्चना ने डेजी को चेतावनी देते हुए कहा, तूने क्या कर लिया ये बता, इतने साल से इंडस्ट्री में, देखो उंगली नहीं करना मुझे वरना मैं हाथ कर दूंगी, फिर कुछ ज्यादा ही सच बोल देती हूँ। जिसका जवाब देते हुए डेजी ने कहा, चीजों और लोगों को पसंद करने का हर किसी का अपना तरीका होता है, अगर मुझे किसी का मजाक उड़ाने और लोगों को भड़काने का तरीका पसंद नहीं है तो मुझे पसंद नहीं है। शो में स्टंट करते समय एक इंसान का दूसरे के प्रति अनादर मूर्खता है। चैनल आपको केवल वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। अगर आप क्लास और क्रेज के बीच अंतर समझते हैं तो मेरे लिए आपका सम्मान है। बता दें कि शो के दौरान डेजी की शिव ठाकरे के साथ अच्छी दोस्ती हुई है। वहीं शिव और अर्चना के बीच बिग बॉस में बहुत लड़ाई होती थी। इस शो में भी शिव और अर्चना के बीच ज्यादा अच्छा बॉन्ड नहीं दिखा। वहीं अब देखना ये है कि अर्चना और डेजी की लड़ाई क्या रूप लेगी। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।